हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अभीक्षा। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, टाइटल पढ़कर आपको आइडिया लग गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है। बट मैं आज आपको बता देती हूँ कि आज का वीडियो होने वाला है कि मुझे बर्थडे पर क्या क्या प्रेजेंट्स मिले। सो ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था कि ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोगों ने पर्सनली डीएम किया था कि दीदी प्लीज़ ये वाला वीडियो बनाइए, दैट इज़ वाई मैंने ये वीडियो बनाया है। एंड ये वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट नो वाई, बट स्टार्टिंग की जो वॉइस हो रही है वो रिकॉर्ड नहीं हो रही है, एंड हुई थोड़ी सी तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा आई डोंट नो कुछ अजीब सा पीछे से साउंड आ रहा था, तो मैंने वो म्यूट कर दिया और यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो मेरे लिए मेरा बर्थडे बहुत ज़्यादा खास होता है, आई नो सबके लिए खास होता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करिएगा। एंड आज मैं ये लहंगा वहंगा पहन के बैठी हूँ ये वीडियो बनाने के लिए। सो अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को देखिएगा। अगर आपको ये लहंगा अच्छा लग रहा है तो आप इसे लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस स्टोर का नाम मेंशन कर दूंगी जिनकी तरफ से मुझे ये आया है, तो आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सा लहंगा है। सो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड वन मोर थिंग, ये जो वीडियो होने वाला है, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि ये जो वीडियो होने वाला है ये सिर्फ आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है, इसीलिए मैं आपके लिए ये शेयर कर रही हूँ आपके साथ ये वीडियो। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मेरी फैमिली ने मुझे गिफ्ट दिया, ठीक है, तो आप भी मेरी फैमिली हो तो मुझे खुशी होगी आपके साथ शेयर करने में कि देखो मुझे ये मिला। एक्चुअली होता है ना फैमिलीज़ में कि कुछ मिलता है, जैसे पापा ने कुछ दिया तो हम दिखाते हैं सबको, भैया को दिखाते हैं, दीदी को दिखाते हैं कि ये मिला। वैसे ही है कि मुझे घर में कुछ मिला है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप भी मेरी खुशी में खुश हो। एंड जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, आई नो उनको बहुत अच्छा लगने वाला है वीडियो। एंड जो लोग मेरे थोड़े बहुत हेटर्स हैं, जो कि बहुत ही 1-2% हैं, उनको अगर ये वीडियो नहीं अच्छा लगता तो प्लीज़ आप हेट कमेंट मत करिएगा, आप प्लीज़ वीडियो को मत देखिएगा, या तो देखिएगा तो बस कमेंट मत करिएगा, बिकॉज ये मेरा बर्थडे गिफ्ट का वीडियो है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है, तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत लिखिएगा। सो ये जो वीडियो होने वाला है कोई शो ऑफ वाला नहीं है, तो बस सिंपल सा एक वीडियो है जो मुझे मिला, मैं आपको दिखा रही हूँ। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल हो। एंड हेल्पफुल क्या होगा, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपने लव्ड वंस को क्या गिफ्ट देना चाहिए। सो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, जो फर्स्ट गिफ्ट है हमारे पास, सबसे पहला गिफ्ट जिसको बोलेंगे, तो वो है ये एक ब्यूटीफुल सा अभीक्षा नाम का ये स्टैंड टाइप का है, ये डेकोर करने के लिए है। इसमें मेरी और आपके भैया की बहुत ही सुंदर सी फ़ोटो बनी है, बहुत ही प्यारी सी, एंड इसमें पीछे पूरा लाइटिंग का है, तो ये लाइट जलेगी, इसमें आपको प्रॉपर चार्जर वगैरह मिल रहा है। ये मुझे दिया है मेरी फ़ैन पेज अभीक्षा लव की तरफ से आया है, तो जो मेरी फ़ैन पेज चलाती हैं अभीक्षा लव, उनकी तरफ से ये मुझे रिसीव हुआ है। मेरा दुपट्टा अटक गया यार। ओके, सो ये उनकी तरफ से मुझे आया है, थैंक यू सो मच। आप ऑलरेडी इतना कर रहे हो मेरे लिए, आप मेरा फैन पेज चलाते हो और मतलब लाइक इतनी मेरी फ़ोटोज़ लगाते हो, स्पेशल ओकेजन पे मुझे विश करते हो, मेरी फैमिलीज़ के बर्थडे और एनिवर्सरी को आप विश करते हो, तो आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हो। आप ये नहीं भी करते तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, बट थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसको मैं अपने स्टूडियो में रखने वाली हूँ फॉर श्योर, और ये आपकी एक होता नहीं कि आपके नाम से ये हमेशा मेरे पास रहेगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सो ये था मेरा पहला गिफ्ट जो कि मुझे आया है मेरी फैन पेज की तरफ से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गिफ्ट जो कि आया है मुझे, ये आया है एक इंस्टा स्टोर से, गर्ल्स अड्डा करके, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ प्रमोशन के लिए, नहीं वो मुझे उन्होंने स्पेशली दिया है, तो मैं ये ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगी। एक ब्यूटीफुल सा आपको बैग मिल रहा है जो कि ऐसे खुलता है, इसके अंदर लॉन्ग स्लिंग मिल रही है आपको, क्वालिटी इतनी सुपर्ब है कि मैं क्या बताऊं। कस्टमाइज़ हो जाएगा, आप जैसा बनवाना चाहो, आप चाहो तो अपनी फ़ोटो बनवा सकते हो, आप चाहो तो कुछ और बनवा सकते हो, ये कॉम्बो है पूरा, तो जब जुत्ती और बैग आप साथ में लोगे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। बहुत ही जल्दी इसके साथ कोई लुक करूँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, क्वालिटी बहुत सुपर्ब है, मैं क्या बताऊँ आपको कितना अच्छा बैग है ये। उनके पास बहुत ही प्यारा कलेक्शन है, एक भी बैग, एक सिंगल बैग ऐसा नहीं है जो कि आप बोल सको कि ये मुझे पसंद नहीं आया। एवरी बैग, लाइक एवरी सिंगल बैग, ओ माई गॉड वाओ, बहुत ही ज़्यादा प्यारे बैग्स हैं उनके पास, तो ये उनकी तरफ से आया है। थैंक यू सो मच गर्ल्स अड्डा फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। सो ये हो गया दो गिफ्ट जो कि आए हैं फैंस की तरफ से, एंड दो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट आए हैं जो कि मैंने खा ली और मेरे पेट में है। सो मेरी दो फैंस हैं, एक थी जो लखनऊ से आई थी, अमीशी वर्मा, जिनका नाम नेहा वर्मा भी है। सो वो मेरे लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हैमर केक लेके आई थी, और वो वीडियो मैंने अपने यूट्यूब पर भी डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक दे दूँगी
आप देख लीजिएगा। सो वो बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा केक लेके आई थी, वो ऑल द वे लखनऊ से आई थी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो लखनऊ से ही आई। ये मेरे लिए पहली बार ऐसा कोई फैन मोमेंट था, जब लाइक मिलते तो रहते हैं लोग, चलो फोटोज़ वगैरह सेल्फी वगैरह लोग मिलते हैं, बोलते हैं आप अच्छे लगते हो, बट लखनऊ से कोई मेरे लिए आएगा ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। थैंक यू सो मच नेहा अगेन, एंड बहुत ही अच्छे हो आप। और प्रियंका ने मेरे लिए बॉम्बे से केक भेजा जो कि नेहा लेकर आई थी। सो थैंक यू सो मच प्रियंका, आपका केक तो मैंने उसके थोड़ी देर बाद ही खा लिया था। सो उसका एक क्लिप होगा, मैं यहाँ कहीं ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। सो मेरे बर्थडे पे दो बहुत ही ब्यूटीफुल से केक आए थे मेरे लिए, मेरे फैंस की तरफ से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यार, थैंक यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गिफ्ट, इट्स नॉट गिफ्ट, मतलब ऐसा गिफ्ट वाला नहीं है, बट ये नायका से मैंने कुछ खरीदा अपने लिए, और मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूँगी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैंने मैक का कोई चीज़ लिया है, बिकॉज मुझे ऐसा कभी नीड लगी नहीं कि मुझे लेना चाहिए, बट हम क्योंकि गए थे शॉपिंग पे, तो मुझे ऐसा नायका के स्टोर में हुआ कि मैं कुछ खरीदूँ, और कुछ खरीदूँ में मैं क्या खरीदती, मेरे पास ऑलमोस्ट सब कुछ था, तो मैक एक ऐसा, मतलब उस समय मुझे लगा कि जिसका मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैंने ये मैक का एक पूरा पैक लिया है। ये थिंक मैक पिंक, सो ये मेहर लिपस्टिक है इसमें, क्लासिक मैट पिंक लॉन्ग वेयरिंग फॉर अप टू 10 आवर्स, एंड इसके साथ मिल रही है आपको मिनी स्ट्रॉप क्रीम। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक पैकेजिंग था। सो ये एक कॉम्बो का पैकेट है, आप देख सकते हो, इसमें आपको मेहर लिपस्टिक मिल रही है, एंड ये इसकी स्ट्रोब थी। सो आपको तो मुझे इसमें, तो मैंने ये एक मैक की लिपस्टिक ली है, जो कि मेरी फर्स्ट परचेज है मैक की, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ये खरीदा। इसका जो प्राइस है मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो प्राइस है वो 1800, तो 1800 में आपको एक छोटा सा उसका मिनी स्ट्रॉप क्रीम मिल रही है, और साथ में आपको मेहर लिपस्टिक मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छा कलर है। मैं लगाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी जब भी पहली बार लगाऊंगी। सो ये मैंने खुद से ऐसे ले लिया बस। उसके बाद नेक्स्ट है ये गिफ्ट, ये आपने देखा होगा कि ये मेरे उसमें था, किसमें था, एक फ़ोटो में था। सो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गिफ्ट है, जो कि मेरे चाचा चाची की तरफ से मुझे मिला है। एक सेकेंड, लेट मी शो यू, ये निकल गया मेरे से, आई डोंट नो कैसे निकल गया। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल गिफ्ट जो कि मुझे मेरे चाचा चाची ने दिया है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा है, बीच में छोटे से गणेश जी हैं साइड में, इसमें चांदी के सिक्के हैं। सो बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है ये, ऐसा पैकेजिंग भी बहुत सुंदर सी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा सुंदर सी है, ये मुझे मेरे चाचा चाची ने दिया है। थैंक यू सो मच अगेन, बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है, हमेशा मैं अपने पास रखने वाली हूँ, ऑलमोस्ट हर वो चीज़ें जो कि मैं हमेशा अपने पास रखने वाली हूँ। ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गिफ्ट, जो कि है एक ब्यूटीफुल सा बुके, सी दिस ब्यूटीफुल सा बुके, बहुत ही प्यारा सा बुके लगा। वैसे तो मैं फूल वूल मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते, बट इतना ज़्यादा प्यारा बुके था, एंड सबसे प्यारी चीज़ थी देने वाले की कि ये मुझे दिया है ऋतिक और कलश ने, तो मेरे जो देवर हैं और मेरी जो नंद है, वैसे तो वो देवर नंद मैं मानती नहीं हूँ, मेरे भाई बहन टाइप के हैं, बट फिर भी ये मुझे कलश और ऋतिक ने दिया है, ऋतिक मतलब लक्ष्य ने दिया है, बहुत ही प्यारा सा बुके उनकी तरफ से है मेरे लिए, और ये मुझे स्पेशली बोला था लक्ष्य ने कि भाभी इसको अपने पास ही रखना, तो इतने प्यार से मैं लेके आया हूँ, तो ये मैं अपने रूम में मैंने रखा है, और मैं इसको रखूँगी जब तक ज़िंदा रहेंगे ये फूल, थोड़ा बहुत पानी वानी डालती रहती हूँ मैं। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा बुके है, थैंक यू सो मच लक्ष्य, थैंक यू सो मच कलश फॉर दिस ब्यूटीफुल बुके। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, ओ माई गॉड, मूविंग ऑन टू द ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गिफ्ट, इतना अच्छा लगा यार बर्थडे में, इतना स्पेशल बर्थडे मेरा सेलिब्रेट हुआ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपने ससुराल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बट आई थिंक मेरा जो सेलिब्रेशन था वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल था, भी तो बहुत ही अच्छा था, सब ने इतना ज़्यादा प्यार से मेरा बर्थडे मनाया, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, एंड सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, सबका इतना ज़्यादा सपोर्ट है, टच वुड का भी सारी चीज़ें अच्छी हैं, और बस मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का भी सपोर्ट रहे ऐसे, और फैमिली का सपोर्ट तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रायर है, तो वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मैं उनको थैंक यू बोल ही नहीं सकती, बिकॉज थैंक यू इज़ अ वेरी यू नो स्मॉल वर्ड कि आप किसी की चीज़ को कैसे अप्रिशिएट करूँ, तो थैंक यू तो बहुत छोटा है, बट मैं बता नहीं सकती कि कितना ज़रूरी है उनका सपोर्ट मेरे लिए, और वो कितने ज़्यादा सपोर्टिव हैं, कितने ज़्यादा सपोर्टिव हैं मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बस आप लोग देख सकते हो, सो थैंक यू। सो नेक्स्ट जो गिफ्ट है वो है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा। सो ये है एक ब्यूटीफुल सी बर्थडे ड्रेस जो कि मैंने मेरे बर्थडे पे पहनी थी। सो दिस ब्यूटीफुल ड्रेस मुझे दी है मेरी दीदी ने, गौरी दीदी ने, तो दीदी को था कि आप
कुछ ऐसा, ये देखो आप इतनी बड़ी सी ड्रेस है ये, दीदी को था कि कुछ आप ऐसा पहनो जो कि एकदम आपका दिल खुश हो जाए पहन के, कुछ ऐसा बर्थडे टाइप का। सो ये बर्थडे वाइब दे रहा था बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत पसंद आई ये ड्रेस एंड आई थिंक मैं इस ड्रेस में अच्छी भी लग रही थी, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया। सो ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस मुझे दी है दीदी ने, दीदी ने मुझे बोला कि आपको जो पसंद है आप बोलो। आप यकीन नहीं करोगे, हमने एक पूरा दिन सिर्फ एक बर्थडे ड्रेस ढूंढी है, नहीं मिला, फिर हम दूसरे दिन फिर गए बर्थडे ड्रेस ढूंढने, तो दीदी ने पूरा 2 दिन मेरे साथ वो शॉप टू शॉप गई सिर्फ मेरी बर्थडे ड्रेस के लिए। तो थैंक यू सो मच दीदी, वैसे भी वो मेरे साथ मेरी हर चीज़ लेने वही जाती हैं, बट फिर भी मेरे बर्थडे ड्रेस के लिए वो बहुत ज़्यादा घूमी मेरे साथ। सो थैंक यू सो मच दीदी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड उनका था कि भाभी आप कुछ अलग सा लो, ऐसा सूट साड़ी करके मत पहनो, सब पहनते हैं सूट साड़ी, तो वो मुझे अलग सा दिलाने के चक्कर में हमने बहुत मेहनत की। एंड थैंक यू सो मच दीदी, सीरियसली बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये मेरे लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गिफ्ट, ओके सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल सा कोड का बैग। सो ये ब्यूटीफुल सा बैग अगेन मुझे दीदी ने ही दिलाया है, तो दीदी ने मुझे वो ड्रेस दिलाई और ये बैग दिलाया है, बहुत ही प्यारा सा बैग है, कोड का बैग है। एंड जो ड्रेस मैंने आपको दिखाई थी वो ड्रेस थी मम्मी पापा शोरूम से ली थी मैंने, जो कि रे मोती में है आई गेस, सो मैंने वहाँ से ली थी। एंड ये बैग कुछ ऐसा है, इसके अंदर लॉन्ग स्लिंग मिल रही है आपको। ये बैग हमने लिया था जेड स्क्वायर से ही लिया था, बहुत ही ब्यूटीफुल सा बैग है। इसका जो प्राइस है बता देती हूँ, 2600 का बैग है, मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली द कलर, कलर बहुत सुंदर सा है, बहुत प्यारा सा बैग है, ये मुझे दीदी ने दिलाया है, अगेन थैंक यू सो मच। दीदी को था कि आपको जो जो लेना है आप वो लो, तो मैं बस चीज़ें ले रही थी जो मुझे अच्छा लग रहा था। बहुत हमने बहुत चीज़ें देखी बट ना ऐसा कुछ समझ में भी नहीं आता बहुत ज़्यादा, तो हमने ये 2 चीज़ें फाइनली ली थी। ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है, ओके सो हम ये वेव से मुझे मेरे हस्बैंड ने आईफोन दिलाया है। सो ये है आईफोन 12 मैक्स प्रो, कहीं लिखा है बस मुझे नाम याद है, लिखा तो कहीं नहीं दिख रहा है ऐसा, नेम एंड एड्रेस नहीं। सो ये है आईफोन 12 मैक्स प्रो जिसको मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर लिया है, वीडियो में यहाँ कहीं शेयर कर दूंगी। सो ये है मेरा ब्यूटीफुल सा फ़ोन, ओ माई गॉड, आई कैन बिलीव, आई स्टिल कैन बिलीव कि ये मेरे हाथ में है, बिकॉज मुझे ये सच में चाहिए था। एंड हस्बैंड ने मेरे को बोला था कि मैं आपको दिलाऊंगा, तो मुझे पता तो था कि वो मुझे दिलाने वाले हैं, बट फिर भी ऐसा मिला तो अच्छा लगा काफ़ी ज़्यादा, मुझे पता था कि वो मुझे दिलाने वाले हैं। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेरा आईफोन 12 मैक्स एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। इसका जो प्राइस था वो था आई गेस 1,40,000, तो 1,39,900, ये इतने का है। इसके साथ आपको ऐसा एक क्या मिलता है, ये फास्ट चार्जिंग USB-C पावर अडाप्टर, सो एक अडाप्टर मिलता है आपको, अडाप्टर के अलावा आपको इसमें मिलता है एक कवर था मेरे पास, एंड इसके साथ मुझे मिला है एक डैश चार्जर जो कि ये वायरलेस है, इस पर चार्जिंग पैड टाइप का ही, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं आपको दिखाती हूँ। इस पे बस आपको अपना फ़ोन रख देना है और आपका फ़ोन चार्ज होने लगेगा, तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मेरे आईफोन के साथ ये चीज़ें मुझे मिली हैं। एंड आईफोन को मैंने आज ही, मतलब आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैंने आज सुबह इसमें सारी चीज़ें सब कुछ फिल की, अपनी सारी डिटेल्स वगैरह डाली हैं, एंड ये अभी रेडी है मेरी वीडियोस शूट करने के लिए। मुझे बहुत चाहिए था, ऐसा बड़ा मन सा था, एंड उन्होंने मुझे दिला दिया। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मेरे हस्बैंड कितना ज़्यादा, शब्द नहीं मिल रहे मुझे खैर बात करने के लिए, बट ये होता है कि मुझे मतलब मेरे दिमाग में कोई चीज़ होती है तो वो चीज़ वो हमेशा पूरी कर देते हैं, दिमाग में होती है मैं उनको नहीं भी बताती हूँ तो उनको पता होता है कि मुझे क्या चाहिए, और वो मेरे लिए सब कुछ करते हैं A to Z, वो मेरे लिए सब कुछ करते हैं, मुझे जो चाहिए, मैं जैसे रहना चाहती हूँ, जैसी सारी चीज़ें हैं, कभी किसी चीज़ के लिए उन्होंने मुझे मना नहीं किया आज तक, मतलब हमारी शादी को 2 साल हो गया, उन्होंने मुझे आज तक एक छोटी सी चीज़ के लिए भी मना नहीं किया है। सो थैंक यू तो नहीं बोलने वाली मैं आपको, बिकॉज थैंक यू तो बोल ही नहीं सकती हूँ यार, थैंक यू क्यों बोलना आपको, आप इतने अच्छे, थैंक यू नहीं बोलूँगी मैं आपको। सो बस तो ये मुझे उन्होंने दिलाया है, एंड इसके साथ मुझे ना एक ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कवर, एक पॉप सॉकेट भी मिला है, वो कहाँ मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा, ये मुझे आया है फैशन फैक्ट्री CPR की तरफ से,
एक ब्यूटीफुल सा ऐसा कवर है। ये उनकी दूसरी शॉप है आई गेस छपरा गिफ्ट शॉप, उससे उन्होंने मुझे भेजा है। सो इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेरा फेस बना हुआ है, मेरी फोटो बनी हुई है। ये वन प्लस नॉट का कवर है, इसके साथ उन्होंने एक पॉप सॉकेट टाइप का भी भेजा है, वो मैं यहाँ कहीं इंसर्ट कर दूँगी। तो वो दो चीज़ उन्होंने मुझे भेजी है। फैशन फैक्ट्री CPR के बारे में बात करूँ तो उनकी तरफ से मुझे स्टार्टिंग में मेरा पहला कोलेब्रेशन आई गेस उन्हीं के साथ था। उन्होंने मुझे पहले दो साड़ियाँ भेजी थी जो कि मैंने अभी बसंत पंचमी पर दोबारा पहनी थी। वो उनके साथ जो मेरा ट्रस्ट है, जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल हैं। मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ उनके पेज पे, और चीज़ें मुझे उनकी पसंद भी आती हैं। सो अगर आप चेकआउट करना चाहो तो आप उनकी दोनों शॉप को चेकआउट कर सकते हो, आपको कुछ ना कुछ आपके मन का ज़रूर मिल जाएगा। एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट गिफ्ट जो कि मुझे मिला है मम्मी पापा की तरफ से, और ये सरक गया इसमें। सो ये मुझे मम्मी पापा की तरफ से मिला है, ये सरक बहुत रहा है। ये देखो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक ब्रेसलेट है, हैंड ब्रेसलेट, जो कि मैंने अपने बर्थडे वाले दिन पहना भी था। आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया, आप में से जिसने नोटिस किया होगा इसका मतलब वो बहुत अच्छे से देखता है मेरा वीडियो। सो ये एक ब्यूटीफुल सा ऐसा ब्रेसलेट उन्होंने मुझे दिलाया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट है पापा मम्मी की तरफ से। थैंक यू सो मच पापा मम्मी, अगेन सबको बहुत बहुत थैंक यू। आप सब लोगों ने मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बना दिया, एंड जो बर्थडे पार्टी थी वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, काफ़ी अच्छा लगा ऐसा बर्थडे पार्टी करके। सो थैंक यू सो मच टू एवरी वन, एंड आप लोगों ने मुझे विश किया, इतने लोगों ने मेरे लिए स्टोरी लगाई जो कि बहुत बड़ी बात है। आप टाइम निकाल के मेरे लिए स्टोरी लगा रहे हो, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच यार, आप सबको बहुत 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 थैंक यू। आप सबको ऐसे हक करने का मन करता है, एंड बहुत खुश हूँ मैं बहुत ज़्यादा। आप लोगों की कृपा रही तो हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, काफ़ी ज़्यादा प्यार से मैंने ये वीडियो बनाया है। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और बहुत ही जल्द हम 200K फैम हिट करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। नए वीडियोज़ के साथ मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।